ब्रो, मैंने अपना पैसा रिलायंस में इन्वेस्ट किया है, नाउ आई होप कंपनी उन पैसों को अच्छे से यूज करे। एक मिनट, कंपनी क्यों उन पैसों को यूज करेगी? बिकॉज मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट किया ना ब्रो, तो कंपनी के पास मेरा पैसा चला गया ना। नहीं, फिर तूने पिछले हफ्ते अदानी ग्रीन के स्टॉक्स बेचे थे ना, तो वो पैसे तेरे पास आए थे या कंपनी के पास गए थे? ऑफ कोर्स मेरे पास आएगा, मैंने शेयर सेल किए ना। एग्जैक्टली, एंड तूने रिलायंस के शेयर्स किसी से लिए हैं, तो वो पैसे किसके पास गए रहेंगे? उनके पास, जिन्होंने ये शेयर्स मुझे बेचे रहेंगे। तो पैसा कंपनी के पास नहीं जाता? नहीं, एंड दैट इज व्हाई हम स्टॉक मार्केट को सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। ओके, तो फिर कंपनी के पास कब जाता है पैसा? इन द केस ऑफ राइट इश्यूज, क्यूआईबी प्लेसमेंट एंड आईपीओ, एंड आईपीओ में भी जब फ्रेश इश्यू होता है तब। नाइस यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था, इसीलिए कहता हूं ब्रो, प्रतीक चौहान को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर।